देखिए भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। संदिग्ध युवक को यहां पर पकड़ा गया है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां बता दें कि युवक का नाम मनीष मेवाड़ा बताया जा रहा है। लाल परेड में आयोजित अग्निवीर सेना रैली का ये वीडियो बना रहा था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं तो युवक के मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर्स भी यहां पर मिले हैं। पाकिस्तान नंबर आर्मी के कई ऑफिसर्स के भी नंबर्स यहां पर मिले हैं। बता दें मिलिट्री इंटेलिजेंस ने युवक को भोपाल पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने एटीएस को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर का रुख करते हैं। शब्बीर देखिए बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस बीच भोपाल से सामने आ रही है, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। संदिग्ध युवक को यहां पर पकड़ा गया है। कौन कौन से और बड़े खुलासे यहां सामने निकल कर आ रहे हैं? देखिए हेलो जी शब्बीर बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में यहाँ पर अग्निवीर को लेकर भर्ती चल रही है, और इसी को लेकर पिछले 3 दिन से भर्तियां चल रही है। और एक युवक को सुबह मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया था, और उसके बाद जहांगीराबाद पुलिस को सौंपा गया। लेकिन अभी जो पूछताछ में की जो चीजें निकल कर सामने आ रही थी, उसमें शुरुआत में ये निकल कर सामने आ रहा था कि उसके मोबाइल से कल कई ऐसे संदिग्ध नंबर और कई चीजें मिली है, जिससे ये लग रहा था कि युवक के लिंक पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो जहांगीराबाद पुलिस के अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी हमें कुछ भी निकल कर चीजें सामने नहीं है जिससे हम ये कह सकेंगे कि वो पाकिस्तान का कोई लिंक है। लेकिन ये कह सकते हैं कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो गलत तरीके से वीडियो बना रहा था, क्योंकि वीडियो बना रहा था उस वक्त जब अग्निवीर की भर्ती चल रही थी, और उसके बाद ही वहाँ के जो ऑफिसर थे, वहाँ के जिनके जिम्मेदारी दी गई थी अग्निवीर भर्ती की जिम्मेदारी जो पूरा देख रेख कर रहे हैं, उन्होंने ही उसको पहले वहां पर पकड़ा और उसके बाद जहांगीराबाद पुलिस को सौंपा। लेकिन शुरुआती पूछताछ में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही थी। लेकिन अभी इस वक्त बात की जाए ऐश्वर्या, तो अभी इस वक्त जो चीजें निकल कर सामने आई उसमें युवक से कुछ भी पुलिस को हाथ नहीं लगा है। लेकिन अभी एटीएस को जानकारी दे दी गई है, एटीएस कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद उससे युवक से पूछताछ करेगी। बिल्कुल शब्बीर, और पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, कहां कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं, ये भी सामने निकल कर आएगा। तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।